ये है पोको का नया F5 5G। ये वाला एक मिड रेंज स्मार्टफोन है जो स्नैपड्रैगन का 7 Plus Gen 2 है, जो हम पहली बार टेस्ट करने वाले हैं। पोको के हमने पहले भी काफी सारे स्मार्टफोन्स ट्राई करे हैं, सब में परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। जो पेपर पे स्पेक्स लग रहे हैं उससे लग रहा है भाई परफॉर्मेंस में ही बस किल कर पाएगा, बट सारी चीजें चेक करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी, लेट्स गो। सबसे पहली चीज भाई, ब्रांडिंग बढ़िया करके मेड इन इंडिया लिखा है। ऑफ कोर्स भाई, फोन खोल के ज्यादा अच्छे से पता चल पाता ये हमारा स्मार्टफोन है, बट अंदर की साइड से काफी हद तक एक येलो फील पोको की अपनी जो स्टैंडर्ड रहती है वैसी सी है। ये हमारा जो स्टैंडर्ड भाई सिलिकॉन वाला केस आता है वही है। इसके साथ एक 67 वॉट का चार्जर, 67 वॉट के हिसाब से अच्छा खासा बड़ा लग रहा है। केबल भी USB टाइप सी है, बट ये भी काफी मोटी सी है। सिम इजेक्टर टूल जो स्टैंडर्ड वाला हो, थोड़ा सा वेडिंग रिंग वाली फील देगा, बट आपकी पति या पत्नी की उंगली बहुत छोटी होनी पड़ेगी। ये है पोको का नया F5 5G। पोको के लिए ये डिजाइन में काफी बड़ा चेंज है, क्योंकि पोको का काफी एक स्टेटमेंट टाइप डिजाइन बन गया था, ब्लैक येलो में काफी ऐसे अमंगस वाले कैरेक्टर वाले फोन आते, बट ये वाला काफी ज्यादा डिफरेंट है। हाथ में पकड़ने में भी काफी डिफरेंट फील हो रहा है, हल्का सा कर्व है बैक साइड से। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे, बैक साइड में ना यहाँ पे अलग सा ऐसा पानी ऐसे छपकाया हुआ ऐसा वाला पैटर्न दिख रहा है, कुछ ऐसे चमकीला सा भी है, पर थोड़ा सा अलग सा भी है। बहुत ही एक स्लाइट लाइट ब्लू के ऊपर एक व्हाइट कलर का पैटर्न है, काफी ज्यादा कूल सा लग रहा है। कैमरे का भी जो बम्प है उसके अराउंड भी एक व्हाइट सी रिंग है। 1, 2, 3 कैमरे का सेटअप है, एक 64 MP का प्राइमरी है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड है और 2 MP का छोटा मैक्रो ऐड कर रखा है। अभी 64 MP लिखा भी है, 2 फ्लैश भी है, बट पकड़ने में अच्छा तो डेफिनेटली लग रहा है। बैक साइड पे अगर आप देखोगे काफी एक शाइनी सा ग्लास टाइप मटेरियल दे रखा है, बट है एक्चुअली प्लास्टिक। बैक साइड में भी साइड भी हल्का सा एक ब्लूइश प्रिंट है, एक पावर बटन है ऊपर, वॉल्यूम बटन है, पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे रखा है। वैसे इस प्राइस पॉइंट पे इन डिस्प्ले स्कैनर्स आ जाते हैं भाई, डिस्प्ले वैसे एमोलेड है तो ऐड कर सकते हैं। जो ओवरऑल डिजाइन है काफी एक रिफ्रेशिंग सी वाइब देता है, कोई ऐसा मेटल या ग्लास वाली फिनिश नहीं है और काफी ऐसा सूदिंग सा काम सा फील इसमें आता है। एक चीज और अगर आप नोटिस करो, साइड पूरी फ्लैट है बट बैक साइड में हल्का सा एक कर्व है, और इसकी वजह से ना फोन हाथ में पकड़ने में, क्योंकि एज पतले हैं तो इसलिए पतला लगता है, बट एक्चुअली बीच से ठीक ठाक मोटा है। डिजाइन में ऑफकोर्स मटेरियल बेटर हो सकते थे, बट ओवरऑल डिजाइन फोन का मेरे को मस्त लगा। एक चीज फ्रंट में अगर आप नोटिस करोगे, डिस्प्ले एकदम ही फ्लैट है, ऑलमोस्ट एक बेजललेस वाला ऊपर भी नीचे भी, और 6.7 इंच का डिस्प्ले काफी एक स्क्वायर सी फील देता है। डिस्प्ले यूज करके तो डेफिनेटली एक महंगा स्मार्टफोन लगता है। देखो हो क्या रहा है, बेसिकली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सस्ते होते जा रहे हैं और जो सस्ते स्मार्टफोन है वो बेटर होते जा रहे हैं, तो बेसिकली ये वही है। ये फ्लैगशिप और सस्ते फोनों को बीच में से कनेक्ट कर रहा है, एक का प्राइस ले ले, एक के थोड़े थोड़े फीचर, और ये होता भी है भाई। थोड़ा सा डिजाइन विजाइन में अगर आप थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करो तो काफी जो स्पेक्स हैं वो एकदम टॉप लेवल वाली आप इस वाले प्राइस पॉइंट पे दे पाते हो, तो वही भाई पोको ने भी करने की कोशिश करी, मेरे हिसाब से बढ़िया अप्रोच है। बट काफी सारे लोगों को ऐसे मेटल ग्लास वाले फोन भी पसंद आते हैं। 1000 nits की ब्राइटनेस है जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मस्त है, तो गेम में खेलने में तो मजा आएगा। इसको उतार देते भाई, गोरिल्ला ग्लास 5 अच्छा सा लग रहा है, मजा तो आ रहा पकड़ है। इसमें एक 12-bit का डिस्प्ले है, और 12-bit से बेसिकली होता क्या है कि जो कलर्स वालर्स है ना वो थोड़े से बेटर लगते हैं। जैसे अगर आप मूवी देख रहे हो HDR पे, तो उसमें आपको डेफिनेटली फर्क पता चलेगा, और इससे अगर नॉर्मल वाले स्मार्टफोन में आप शिफ्ट करोगे तो हल्का सा फर्क पता चलता है। बट है एक स्टैंडर्ड 120Hz का AMOLED डिस्प्ले जो इस प्राइस पॉइंट में कॉमन है। मेरे को पर्सनली वैसे फ्लैट डिस्प्ले पसंद आते हैं, बट कुछ लोगों को साइड से कर्व्ड होता है थोड़ा ऐसा प्रीमियम वाली फील आती है। अब ना सारे स्मार्टफोन अच्छे, कोई ऐसा बेकार फोन बचा नहीं है। बेसिकली पर्सनल प्रेफरेंस पे भी काफी सारी चीजें आती है, किसी को कर्व्ड पसंद है, किसी को फ्लैट पसंद है, बट बेबी को दिस पसंद है। इसका बेस है सफाट, पूरा एक मतलब स्टॉक एंड्रॉइड तो नहीं है, शाओमी का MIUI 14 डाल रखा है, बढ़िया एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है। मैंने एक चीज नोटिस करी, इसकी वाइब्रेशन मोटर सही है यार। यूजुअली होता क्या है कि मिड रेंज स्मार्टफोन में ना इसमें कटौती करी जाती है। एक चीज और है, साइड वाइड से पतला सा लगता है, बट एक्चुअली इसके अंदर 5000 mAh बैटरी आ जाती है, और चार्जर से आप चार्ज करो 45 मिनट में हो जाएगी। सिम इजेक्टर खोला नहीं था हमने, एक SIM1 SIM2 दोनों साइड हाइब्रिड हुए सिम स्लॉट नहीं है, आपका मेमोरी कार्ड डालने के लिए नहीं है, पर नीचे की साइड स्पीकर और USB टाइप सी, ऊपर की साइड पे भी स्पीकर, ओ हेडफोन जैक भी, ईयरफोन भी दे दे यार, मस्त रहा था। पर ठीक है, हम चला के देख लेते हैं एक दुकान है, ऊपर की साइड की आवाज आ रही है, नीचे साइड की, तो एकदम ही टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन। महंगे महंगे वालों से कंपेयर आप नहीं कर पाओगे, और दो स्पीकर हैं, बट आवाज लाउडनेस में ठीक है, क्वालिटी थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। सॉफ्टवेयर में काफी सारे फीचर्स हैं भाई, नोटिफिकेशन आप कस्टमाइज कर सकते हो, UI थोड़ा और क्लीन हो सकता था, इसमें काफी सारे आपको ब्लोटवेयर एप्स मिल जाती है। अगर आप सर्च करना है तो भाई ऊपर अंदर से ऑप्शन खोलो तो भाई काफी फास्ट आप खोल सकते हो, फ्लोटिंग विंडोज भी मिल जाता है, गैलरी और कैमरे में भी गूगल लेंस इंटीग्रेटेड है, बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर में इस प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाता है। 2 साल तक एंड्रॉइड अपग्रेड्स भी गारंटी करे हैं, और 3 साल तक सिक्योर अपडेट्स। MIUI थोड़ा सा भारी लगता है काफी लोगों को, बट फीचर पैक्ड है और अच्छा रिलायबल सॉफ्टवेयर है, परफॉर्मेंस सारी चीजें बढ़िया है, बट भाई कैमरा अगर बढ़िया काम करे। हमने यहाँ पे पूरा जंगल बना लिया, पूरी टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे कैमरे की। सबसे पहले हम इसकी फोटो खींचेंगे, इसमें देखो यहाँ पे फिंगरप्रिंट दिख रहा है ना, इसका मतलब समझते हो
नकली बत्ती, एक ये ओरिजिनल बत्ती, ये नकली बत्ती, फिर ये नकली बत्ती, फिर मैं ओरिजिनल, पता ही नहीं चलेगा। पर भाई पत्ती वत्तियों की सही है, हम फ्लावर्स की लेना पसंद करते हैं। फिर 2x में भी ले लें, 2x वैसे ये डिजिटल ही कर रहा है जूम भाई, इंसानों की तो डिसेंट आ रही है, पोर्ट्रेट मोड में खींचते हैं भाई ये लोग। F14 F1 ये भी पकड़ पहले, वो बाकी बात है साइड में, बट खुशी तो अच्छी आई है भाई, फूल सबके जीवन में होने चाहिए भाई। इसमें है यार कलर है यार, इसमें देख कलरफुल फ्लावर है। इस वाले में जैसे देख सकते हो, दाढ़ी वाड़ी में बहुत डिटेल्स नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा ज्यादा प्रोसेसिंग करके इसमें डिटेल्स गायब सी हो गई है। इसमें भी डिटेल्स थोड़ी कम है, थोड़ा कलर और बेटर हो सकता है। इसमें जूम करके ये चीज थोड़ी सी ब्लरी लग रही है फोटो, बट एक चीज है जो स्किन टोन है वो अच्छी मैनेज करी है, जो रेड स्टोन है और ओवरऑल जो स्किन है वो अच्छी आ रही है। और बाकी जितनी हमने पत्तियों वत्तियों की फोटो खींची वो हमको अच्छी लगी। मैंने कलर्स को टेस्ट करने के लिए अलग अलग कलर्स की फोटो खींच के देगी, और मैक्रो मोड भी भाई हमने हाथों से टेस्ट करा था, तो इसमें भी लकीरें अच्छी आ रही हैं। नाइट मोड में एक्चुअली फोटो सही आ रही थी, मतलब डिटेल सही आ रही थी, और दिन में थोड़ी धूप वूप के टाइम पे मैंने खींची तो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हल्की थी, हार्श फोटोज आ जाती हैं। ये मैं जानता नहीं हूँ इनको, बट अच्छे अच्छे इंसान है, बट ओवरऑल फोटो भाई की भी सही लग रही है। और भाई ने ओवरलेस पहनी हुई है यार, अब तो अच्छा इंसान हुआ। एक फिल्म कैमरा मोड भी है जिसमें इमेजेस में फिल्टर्स और फिल्म लुक के फ्रेम्स ऐड कर सकते हो। ये हमने वीडियो बना रखी है 4K 30 FPS तक आप मैक्स रिकॉर्ड कर सकते हो बैक साइड से। स्टेबिलाईजेशन भी ज्यादा तो नहीं मिलती, बट डिटेल सही लग रही है वीडियो में। फ्रंट में 1080p का सपोर्ट है कैमरा, जो एक बेस स्टैंडर्ड आता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, वही आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कैमरे के लिए ढूंढ रहे हैं तो इससे बेटर ऑप्शंस मार्केट में मिल जाते हैं, मतलब एकदम टॉप ऑफ द लाइन ही है। ओवरऑल अगर आपको बेसिक फोटोज खींच के डालनी है इंस्टाग्राम ट्विटर इधर उधर सोशल मीडिया पे तो बढ़िया है, पर देखते हैं भाई हो सकता है परफॉर्मेंस टॉप क्लास हो। और एक चीज और इस वाले स्मार्टफोन में काफी रिलायबल लग रही है, वो है इसकी परफॉर्मेंस। इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 2 ऐड कर रखा है। जिन लोगों को प्रोसेसर की नेमिंग स्कीम नहीं समझ में आ रही, ये 7 Gen 2 है, 8 Gen 1 से ज्यादा पावरफुल है। स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर है, ये वाला पहला स्मार्टफोन है जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं। एंटूटू स्कोर भी अगर आप इसका देखोगे तो 9.5 लाख से भी ज्यादा ऊपर है, जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एकदम टॉप क्लास स्कोर है। इस 8 जेन 2 को तो डेफिनेटली नहीं हरा सकता, बट 8 जेन 2 से थोड़ा सा ही नीचे ये प्रोसेसर है, और इसको फ्लैगशिप वाली कैटेगरी में आप डेफिनेटली ला सकते हो। हम गेम खेल के आपको दिखाते हैं। टच सैम्पलिंग रेट भी 240Hz का दे रखा है, हम भाई कॉल ऑफ ड्यूटी चला लेते हैं। ये वाला जो प्रोसेसर है गेमिंग के लिए थोड़ा सा ऑप्टिमाइज बेटर कर रखा है। बैक साइड में एक वेपर कूलिंग चेंबर भी लगा रखा है। अल्ट्रा पे आप लो सेटिंग पे चला सकते हो, फ्रेम रेट एकदम अल्ट्रा कर दोगे तो भाई लो क्वालिटी पे चलेगी, मैक्स पे आपकी हाई पे चल जाएगी। तो मार दिया और कहाँ शिट। भाई सबको मैं ही मारूंगा क्या? भाई क्या खेल रहा हूँ मैं यार, खिलाड़ी आदमी हूँ भाई। नेक्स्ट चलाते हैं पबजी। इसमें भी देख सकते हो भाई ग्राफिक्स एकदम हाई क्वालिटी पे चल रहे हैं, जो मैक्स सेटिंग अवेलेबल है, एक्चुअली लैग डिले बिल्कुल नहीं लग रहा भाई। मैं बेसिक एकदम सीधा बताऊँ, आजकल मिड रेंज फोन्स भी एकदम ही टॉप ग्राफिक्स पे सारी गेम्स चला लेते हैं, तो ऐसा आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल फर्क नहीं लगेगा मिड रेंज और फ्लैगशिप में भी। नेक्स्ट जेंशन इंपैक्ट खेले थे, वो थोड़ी और भारी गेम है, उससे और अच्छे से पता चलेगा। इसमें जैसे कि देख सकते हो भाई लोडिंग वोडिंग में तो डिसेंट टाइम लग रहा है, फ्लैगशिप में थोड़ा कम लगता है। इसमें गेम टर्बो मोड भी है, वो भी हमने ऑन कर लिया भाई, थोड़ा और FPS मिल जाएगा इसमें। इसमें एक हाइपर बूस्ट मोड है जिसमें FPS थोड़ा और बढ़ जाता है, स्मूथ जाती है गेम में। और भी बेसिक ऑप्शन है इसमें, D&D वॉइस चेंजर, मेमोरी क्लीन कर सकते हो, और दो गेम हम खेल चुके हैं, ज्यादा हीट वीट कर नहीं रहा है भाई। वैसे गेम प्ले काफी ज्यादा स्मूथ है, हल्का फुल्का आपको जिटर मिलता है क्योंकि एकदम ही एक हाई ग्राफिक वाली गेम है, पर जो ओवरऑल गेम प्ले है काफी मजेदार है और काफी स्मूथ है। देखो जैसे मैंने बताया कि भाई महंगे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स काफी सस्ते होते जा रहे हैं, और जो सस्ते स्मार्टफोन है वो काफी बेटर होते जा रहे हैं। ये बेसिकली दोनों का मिक्स है, 30,000 के अराउंड का ये आना चाहिए, और उस प्राइस के अराउंड ये भाई काफी अच्छी वैल्यू क्रिएट कर देता है। और ये बेसिकली इसलिए भी थोड़ा बोल पा रहा हूँ क्योंकि पोको का प्राइसिंग में ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सही रहा है। अब थोड़ा थोड़ा मेन प्राइस पॉइंट पे ये हो जाता है कि आपको किस चीज के लिए जरूरत है। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ओवरऑल आपको एक बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए, तो ये डेफिनेटली एक प्यारा ऑप्शन है, क्योंकि भाई डिस्प्ले विस्प्ले सारी चीजें काफी सॉर्टेड लगी इस प्राइस पे। और आप भी बताना कि भाई आपको हमारा रिव्यू सॉर्टेड लगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।